बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आज हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा आपके लिए 16 अगस्त से 22 अगस्त का टाइम। आज आपके मूलांक के अकॉर्डिंगली, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगी कि आने वाला जो हफ्ता है आपके लिए कैसे रहने वाला है। शुरू करते हैं मूलांक एक से। मूलांक एक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मूलांक एक को मैं बोलूँगी, ये जो समय है आपके लिए रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। आप अपनों के साथ कहीं छोटा मोटा ट्रैवल कर सकते हैं, आसपास घूमने के प्रोग्राम बन सकते हैं, कुछ पहले से ना प्लान किए हुए छोटे मोटे प्रोग्राम आपके इस हफ्ते बन सकते हैं। हेल्थ में आपके सुधार होगा, हेल्थ जो है आपकी अच्छी रहेगी। बट करियर में आपको कोई भी डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं या कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जो अच्छे दिन हैं वो 18 और 21 अगस्त अच्छे दिन हैं। अदरवाइज ये हफ्ते में आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जो दिन अच्छे हैं वो 18 और 21 अगस्त दिन हैं। उसके अलावा थोड़ी सी आपकी लेन देन में परेशानी आ सकती है, किसी को उधार मत दीजिए, इस हफ्ते उधार आपका वापस नहीं आएगा। अब देखते हैं दो, मूलांक दो के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता 16 अगस्त से 22 अगस्त। यानी कि अगर आपका जो बर्थडे है आपका जन्मदिन 2 तारीख को, 20 तारीख को, 11 तारीख को होता है तो आप मूलांक दो के हुए। आपके लिए जो आने वाला टाइम है वो किस तरह से बता रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए हेल्थ में आपको जस्टिस मिलेगा। हेल्थ में आपकी जो सिचुएशन थी इम्प्रूव होगी। अगर आप किसी सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो आपको अच्छा रिजल्ट उसका मिल जाएगा, वो हेल्थ में सुधार होगा। रिलेशनशिप में कहीं पीछे मुड़ के देखेंगे, जो रिश्ते आपसे छूट गए हैं, थोड़ी सी जो दिमाग की कनी है वहाँ अटक जाएगी। और करियर में आपके लिए कैसा है, करियर में आपके लिए थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं। आपका 16 से 19 अगस्त तक का टाइम अच्छा है, मेहनत का टाइम है, आप पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे इस समय। सो 16 से 18-19 अगस्त का टाइम आपका अच्छा है, मेहनत का टाइम है, मेहनत फल भी देगी। बट 19 से 22 अगस्त का टाइम में थोड़ी कंफ्यूजन आपकी लाइफ में बन सकती है। यानी कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके कारण आपके मन में थोड़ी सी दुविधा आ सकती है। अब देखते हैं कैसा रहेगा मूलांक तीन के लिए आने वाला हफ्ता। मूलांक तीन के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लिए रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम है। 18 अगस्त के बाद से आपके रिश्तों में जो कड़वाहट थी उसमें मिठास आ जाएगी। जहां भी जिनके साथ आपकी अनबन थी वो अब सुलझ जाएगी। अनबन का, अब सुलझने का जो टाइम आपका 18 अगस्त के बाद से शुरू हो गया है। जहां भी मनमुटाव था वो खत्म हो जाएगा। हेल्थ में थोड़ा सा आपको एनर्जी लेवल लो रख सकता है, थोड़ी थकावट लग सकती है, थोड़े आपके कंधों में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, थोड़ी थकावट रह सकती है आपको इस हफ्ते के अंत में। करियर में आपका 17 और 18 अगस्त का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। जो जहां भी आप परेशान थे वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पार्टनरशिप 18 से 22 अगस्त के लिए आपके लिए बहुत अच्छी है। कोई पार्टनर अगर आप वेट कर रहे थे आपके साथ जुड़ सकता है। और आपके काम में बढ़ोतरी का टाइम है 18 अगस्त के बाद से। तो 16 से 18 अगस्त तक आपके लिए कहीं थोड़ी सी टेंशन बन सकती है, बट 18 अगस्त आपके लिए अच्छा दिन है। 18 के बाद से आपका जो काम है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपको उसमें अच्छी आउटपुट यानी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको लोग अप्रिशिएट करना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं मूलांक चार के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। यानी कि अगर आपका जन्मदिन 4 तारीख को, 31 को होता है, या आपका 22 तारीख को होता है, या 13 तारीख को होता है, तो आप मूलांक चार के बने। तो मूलांक चार के लिए जो करियर है टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग, आपके लिए
करियर में थोड़ा किसी नेगेटिव इंसान से बच के रहिए, वो आपको थोड़ा सा नेगेटिव कर सकता है। जो इंसान आपका वेल विशर नहीं है उससे थोड़ी सी दूरी बनाइए, वो कहीं थोड़ा सा आप पे आपको नेगेटिव कर सकता है अपने काम को लेके, आपके काम को लेके। तो थोड़ा नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। मस्ती में रहने का टाइम है। अपनी अपनी जो आपकी इंट्यूशन है, अपनी सिक्स सेंस को सुने, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। तो जो आपके बिगड़े हुए काम थे, जो आप जिनमें अच्छे रिजल्ट की वेट कर रहे थे, वो आपको 18 अगस्त तक आपको वो चीज़ें मिलेंगी। 18 अगस्त तक का जो टाइम है वो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद कहीं, जैसे मैंने बताया, कुछ नेगेटिव लोगों से दूरी बनाने की ज़रूरत है। हेल्थ, आपकी हेल्थ में भी आपकी इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप में आपकी स्टेबिलिटी है, यानी कि पति पत्नी की रिलेशनशिप में मधुरता आएगी। जो लवर्स हैं उनका भी रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, आपको मिलने के मौके मिल सकते हैं। हस्बैंड वाइफ भी एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, जो आपसी रिलेशनशिप मजबूत होंगे। अब देखते हैं पांच, मूलांक पांच के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। मूलांक पांच के लिए जो टाइम है, आपको पैसों में आपको कहीं मदद मिल सकती है, आपका कोई आपका वेल विशर आपके साथ जुड़ सकता है। और अगर आप कहीं सपोर्ट की वेट कर रहे थे, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके पैसों की आमदनी बढ़ेगी, आपको कैश फ्लो इस हफ्ते आपका बढ़ेगा। थोड़ा सा 22 और 21 अगस्त को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उससे पहले आपका जो कैश फ्लो वो बढ़ेगा, कैश में आपकी आगे इंक्रीज होगा। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा 16, 17 और 18 को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, कहीं थोड़ा सा माइंड डिप्रेस हो सकता है, उसके बाद आपकी जो हेल्थ भी इंप्रूव कर जाएगी। रिलेशनशिप वाइज ये बहुत अच्छा टाइम है, अपनों के साथ मिलके रहने का टाइम है, ट्रैवल का टाइम है, कहीं थोड़ी लंबी यात्रा पे जा सकते हो, आसपास घूमने जा सकते हो। अगर बाहर जाने की जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो भी अच्छी रहेगी। और अगर आप बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अब देखते हैं मूलांक छः के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। मूलांक छः के लिए टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग इस समय आपको पैसों की बौछार आप पे होने वाली है। कार्ड आपके बहुत अच्छे हैं, आप लाइमलाइट में आ सकते हैं, लोगों की नज़रों में आ सकते हैं, बट अच्छे कारण के लिए आएंगे, घबराने की बात नहीं है। पैसों के नए द्वार खुल सकते हैं, नए काम करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। आपको, आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा फल मिलने का समय है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, पैसों की बौछार का टाइम है और लोगों की नज़रों में आने का, मतलब अगर आप पहचान बनाना चाह रहे थे, ये हफ्ता बहुत अच्छा है। आपके काम को पहचान मिलेगी, सराहना मिलेगी आपको अपने काम के कारण। हेल्थ वाइज भी आपका अच्छा टाइम है, हेल्थ में भी आपकी ठहराव आएगा, हेल्थ आपके लिए अच्छी रहेगी। और कुल मिला के आपके जो सितारे हैं इस हफ्ते आपका बहुत अच्छे से साथ देने वाले हैं, रिलेशनशिप भी आपके मस्त रहने वाले हैं। ये जो हफ्ता है आपको लाइमलाइट मिलने का है, मतलब लोगों की नज़रों में अच्छे कारण से आप आएंगे, आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, अपनों साथ आप अच्छा समय भी बिताएंगे। अब देखते हैं मूलांक सात के लिए कैसा रहेगा आने वाला जो ये हफ्ता है। टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके भी सितारे बहुत बुलंद हैं, आपका, आप अपने जो काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ होगी, यानी कि अब आपके साथ लोग जुड़ने वाले हैं। अगर जो लोग एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए सोच रहे थे, नए लोग अपने साथ जोड़ने के लिए सोच रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है। जो लोगों की प्रमोशन ड्यू थी, जो प्रमोशन की वेट कर रहे थे, जॉब लगने की वेट कर रहे थे, जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, सात मूलांक वालों ये हफ्ता आपकी बहुत अच्छा है, आपकी जॉब लग सकती है, आपके नए रास्ते खुल सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकती है, मतलब कहीं ना किसी रास्ते आपको खुशखबरी आपके साथ जुड़ेगी इस हफ्ते। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, पिछली आती हुई दिक्कतें हेल्थ में इस हफ्ते खत्म हो जाएंगी, हेल्थ में आप आनंद का टाइम है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप भी आपके अच्छे हैं, बट अंत में कहीं थोड़ा सा आप कोई बात छुपाइएगा मत, क्योंकि पकड़े जाएंगे। अगर आप अपने पार्टनर से रिलेशनशिप में या कहीं भी बात छुपाने की कोशिश करेंगे, 19 से 22 अगस्त खतरा है उसको पकड़े जाने का। मन साफ रखिए, नहीं तो मुश्किल में आ सकते हैं। अब देखते हैं मूलांक आठ वालों के लिए कैसा है आने वाला हफ्ता। मूलांक आठ वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, आप सूरज की तरह चमकने वाले हैं इस हफ्ते।
आपको अच्छी खबर मिलने वाली है यहाँ, यानी कि अगर आप कोई वेट कर रहे थे कोई अच्छी न्यूज़ की, वो आपको इस हफ्ते मिल सकती है। अगर आप बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, फॉरेन सेटलमेंट की प्लानिंग कर रहे थे, उसमें भी आपको अच्छी खबर मिलेगी। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिए हुए थे, वो भी आपके इस हफ्ते उसका रिजल्ट आएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो आठ वालों के लिए कुल मिला के ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है करियर वाइज। बाहर के साथ आपका जो लेन देन है, अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं बाहर, मतलब फॉरेन से कोई भी अगर आपका काम है, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो लोग बाहर काम करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है, या बाहर जाने वाले हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा है। कुल मिला के आठ वालों का करियर लेवल, पैसा सब बहुत बढ़िया रहने वाला है। हेल्थ वाइज भी आपके लिए अच्छा टाइम है, आपको हेल्थ में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा खांसी जुकाम हो सकता है, बट वो इतना कुछ कोविड वाला नहीं होगा, सीरियस नहीं होगा। रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा आपको अलर्ट रहिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, शायद जिन लोगों से आपने उम्मीद नहीं की उनका जो सही चेहरा आपके सामने आ सकता है, उनका जो असली चेहरा है वो आपके सामने आ सकता है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा इनिशियली इन दो तीन दिन जो है 16, 17, 18 थोड़ा सा आप अपसेट हो सकते हैं, शायद जिन लोगों से उम्मीद नहीं कर रहे थे वो थोड़ा आपको पीठ दिखा सकते हैं, बट उसके बाद आपको सपोर्ट मिलेगा रिलेशन में भी। अब देखते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग। मूलांक 8 वालों को मैं ये बोलूंगी, आपको 18 अगस्त तक का जो टाइम है, 16, 17, 18 आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, ज़्यादा सोचने का टाइम है, प्लानिंग में टाइम वेस्ट होगा, कुछ एक्चुअल में होगा नहीं। आप प्लान करते रहेंगे, सपने सजाते रहेंगे, बट 18 के बाद ही आप उन पर एफर्ट लगा सकते हैं। 16, 17, 18 थोड़ा सा आपको अपने काम जो सोच रहे हैं उनको पूरा करना मुश्किल लग सकता है, काम में डिले आएगा, जो भी सोचेंगे करने के लिए वो नहीं हो पाएगा। 18 से 22 तक फिर मेहनत का टाइम है, फिर एकदम से आप में एनर्जी आ जाएगी और आपके जो काम थे अधूरे वो पूरे हो जाएंगे। हेल्थ वाइज भी बैलेंस का टाइम है, आपके लिए अच्छा रहेगा, जो लोग बीमारी से ग्रस्त थे उनकी बीमारी में सुधार आएगा। और रिलेशनशिप वाइज थोड़ा तनाव बन सकता है, कहीं धोखा मिल सकता है आपको आपके पार्टनर से। तो 18-19 तक, मतलब 16 से लेकर 19 तक थोड़ा सा रिलेशनशिप में तनाव का टाइम रह सकता है, रातों की नींदें आपकी उड़ सकती हैं, बट 19 के बाद एकदम से जो रिलेशनशिप है आपके अच्छे हो जाएंगे, सेलिब्रेशन का टाइम बनेगा। तो 16 से 18-19 तक आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रिलेशनशिप में रह सकती है, बट 19 के बाद सेलिब्रेशन का टाइम है, कोई छोटी गैदरिंग में जा सकते हैं और वहाँ पर आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये था 1 से लेकर 9 मूलांक के लिए आपका जो आने वाला हफ्ता 16 अगस्त से 22 अगस्त तक कैसा रहेगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।